हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडीज। आज जो आपको इस वीडियो में इस बारे में बताने जा रहा हूँ, IISER कोलकाता। तो इस इंस्टीट्यूट में क्या करने पड़ते हैं अप्लाई करने के लिए, ठीक है, क्या प्रोसेस होते हैं, किस तरीके से सारी चीज़ें की जाती है, स्टेप बाय स्टेप अप्लीकेशन फॉर्म क्या है, एडमिशन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, ये बात जो है पहले जाननी चाहिए आपको। एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए और कहाँ से करना है अप्लाई, ये सारी चीज़ें देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। मेक श्योर कर लीजिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि एक स्पेशल चैनल बनाया गया IISER कोलकाता के रिलेटेड, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। किसी भी ब्राउजर से google.com ओपन करके वहाँ पर आपको एक्जैक्टली वही टाइप करना है जो मैंने यहाँ पर टाइप किया, फिर यहाँ पर आपको सर्च करना है, लास्ट में यहाँ पर IISER पर टाइप करना है, काफ़ी कंपलसरी। क्यों? क्योंकि IISER के रिलेटेड जो है कोलकाता के रिलेटेड सारे के सारे अपडेट नोटिफिकेशन आपको इस ऑफिशियल साइट पर जरूर मिलते रहते हैं, सबसे पहले अभी मिलते रहते हैं, ठीक है। ओके, ये फर्स्ट वाले लिंक पर एक्जैक्टली क्लिक कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर आप क्लिक करके आप जो है न्यू टैब में ओपन होते हैं एक्जैक्टली होते हैं। ओके राइट, ओके। अप्लीकेशन फॉर्म, डेट, एलिजिबिलिटी का होनी चाहिए, पैटर्न, सिलेबस के बारे में यहाँ पर आपको बता दीजिए, आप इसलिए यहाँ से क्या कर सकते हैं सारी चीज़ों के बारे में आप जान गए। अब यहाँ पर मतलब ये सारी चीज़ें होती है और ये सारी चीज़ों के बारे में जानना जरूरी है, सिलेबस वगैरह आपको पता ही होगा, एलिजिबिलिटी जानना है बस आपको है और डेट कैसे देखनी है वो सारी चीज़ें। सबसे पहले आप इस फॉर्म को जरूर फिल करना है, जो सामने आपके फ़ोन है, आपका नाम क्या है, आपका ईमेल आईडी क्या है, अपना ईमेल आईडी यहाँ पर आपको टाइप करना होता है, कॉन्टैक्ट नंबर आपका क्या है, कौन सा स्टेट के रहने वाले, अपना स्टेट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेने होते हैं, जैसे कि आप जिस किसी भी स्टेट के होंगे तो यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना होता है, बहुत सारे स्टेट यहाँ पर अवेलेबल हैं, ठीक है। तो स्टेट सेलेक्ट कर लेना, आपकी सिटी कौन सी है, कौन से कोर्स में इंटरेस्टेड हैं आप, आपकी हाइएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, आपको सेलेक्ट करके आपको गेट फ्री काउंसलर पर क्लिक करना है। उससे क्या होगा, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपके ईमेल आईडी के थ्रू आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट SMS आते रहेंगे, तो आप गेट फ्री काउंसलर पर क्लिक करें। थैंक यू फॉर इंटरेस्ट, ये देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर बताया गया है ऑटोनोमस रिसर्च एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट नाडिया कंट्री के, यहाँ पर वेस्ट बंगाल में ये है। इट वॉज क्रिएटेड 2006 में की गई थी और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स के लिए बोला गया, यहाँ पर डेवलपमेंट यहाँ पर बोला गया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू यहाँ पर की गई और इंस्टीट्यूट वॉज फाउंडेड 2006 में से फाउंडेड किया गया था और एक्सेलेंस अक्रॉस ऑफ रिसर्च ऑफ बेसिस ऑफ साइंस के बेसिस पे और अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट के लिए भी यहाँ पर आपको बोला गया सेम इंप्लीमेशन से। ओके, ये सारे यहाँ पर सारी चीज़ें होती है यहाँ पर आप देख सकते हैं और यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में आपको बताया गया KVPY चैनल के लिए। सबसे पहले आपको एक गुड न्यूज़ बताना चाहूँगा, देश के टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में फुल फ्लो में एडमिशन स्टार्ट है। तो वो क्या है, कहाँ है, ठीक है। तो UPS यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, जी डी गोयनका यूनिवर्सिटी, DIT यूनिवर्सिटी, शारदा यूनिवर्सिटी, रमाना रचना यूनिवर्सिटी, KL यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, SRMU, SSIU, इन सारी के सारी यूनिवर्सिटीज़ में फुल फ्लो में एडमिशन स्टार्ट है। यहाँ पर आप अप्लाई करके उस यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हो जिसमें भी आपको एडमिशन लेना होता है, ठीक है, बहुत ईजी है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, डेट कैसे देखने हैं आप, काफ़ी ईजी है। यहाँ पर ऑपरेशन फॉर्म जो है स्टार्टिंग का डेट अप्रैल में और ये लास्ट डेट अप्लीकेशन फॉर्म था अगस्त में, और ये सीट एलोकेशन के लिए यहाँ पर आपको बताया गया और ये HCB के लिए बताया गया इवेंट और डेट्स क्या होने चाहिए अप्लाई करने के लिए। मार्च में होगा सबमिशन ऑफ अप्लीकेशन फॉर्म का, अगस्त में होगा, एडमिट कार्ड अवेलेबल कभी होगा आपका सेप्टेम्बर में होगा, ठीक है। फिर अप्लीकेशन फॉर्म के बारे में डिस्कस करते हैं, जो ऑफिशियल साइट के रिलीज कर जाते हैं, यहाँ पर आपको देखे थे कोलकाता एंड देख लिए अप्लीकेशन फॉर्म पोर्टल ऑप्शन पे रजिस्टर करना होता है, आपका पर्सनल इंटरव्यू, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपके पेरेंट डिटेल्स, आपके एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर देनी होती है। उसके बाद आपको सबमिट करना है अप्लीकेशन फॉर्म को और उसके बाद उससे पहले आपको जो अप्लीकेशन फॉर्म को पेमेंट रहता है पेमेंट भी कम्प्लीट कर लेना होता है। फिर आप सबमिट करेंगे, उसके बाद अप्लीकेशन फॉर्म के प्रिंटआउट निकलवा लेने होते हैं, ठीक है।